प्लेयर्स आई होप दैट आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मोमेंटम। आज हम मोमेंटम के बारे में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। जिस तरह पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको कहा कि हम इस पूरे सीरीज को एंटी टेस्ट की बेस की तरह चल रहे हैं, हम एंटी टेस्ट की तैयारी करवा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे डिफिनेशंस, एक्सप्लेनेशंस या बहुत सारे पेज लिख के आपके सामने नहीं रखता हूँ। एंटी टेस्ट का जो पॉइंट्स है, जो डिमांड्स है, जो बार बार पूछे गए क्वेश्चंस है, वो उसके देख के उस टॉपिक को कवर करता हूँ और आपके सामने रखता हूँ, देन समझते हैं हम। तो अगर आप लॉन्ग टर्म तैयारी करना चाह रहे हैं, सबसे पहले आप हमारे ये इस लेक्चर को देख लें, बाद में अपनी बुक्स प्रैक्टिस करें, ठीक है, बुक्स रीडिंग करें, देन जो हम प्रैक्टिस टेस्ट जो अपलोड करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, उसको वॉच करें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, अपनी बुक रीडिंग भी की हो और बाद में आपका प्रैक्टिस भी हुआ हो, फिर आपके लिए कोई मुश्किल फिजिक्स के हवाले से नहीं रहेगी। माय डियर्स, तो खैर मोमेंटम को पढ़ते हैं। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम का अगर मैं आपसे डिफिनेशन पूछूंगा, आप बताएंगे कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी मास एंड वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है दैट इज नोन एज मोमेंटम। बट आप सही कह रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल वाइज आप ये बता सकते हैं कि क्वांटिटी का जो मोशन है किसी भी बॉडी में, जो क्वांटिटी का जो मोशन है दैट इज नोन एज मोमेंटम। ठीक है माय डियर्स, मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, एम वी, ठीक है, मास एंड वेलोसिटी, और इसका यूनिट क्या होगा? मास का केजी है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है, तो केजी मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ क्या? मोमेंटम। ठीक है, और इसको हम न्यूटन सेकंड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूटन सेकंड से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, मींस इसमें आपने मैग्नीट्यूड भी बताना है, इसमें आपने डायरेक्शन भी बताना है। तो मोमेंटम का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगा? जिस तरफ वेलोसिटी की डायरेक्शन होगा उसी तरफ मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। माय डियर्स, मोमेंटम जो है वो क्या है, वो उसमें अगर आप ये देख ले कि मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, केजी मीटर पर सेकंड उसका यूनिट है, एन एस को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम हमें क्वांटिटी ऑफ मोशन दे रहा है, ये चीजें अभी तक आपने देख ली। अभी हम ये देखेंगे कि अगर सपोज मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, अगर मैं मास को कांस्टेंट रखता हूँ, मास को कांस्टेंट करूंगा, तो मोमेंटम और वेलोसिटी के दरमियान जो ग्राफ बनेगा वो डायरेक्ट बनेगा। अगर आप मास को कांस्टेंट रखोगे, मास को कांस्टेंट रखोगे, तो मोमेंटम और वेलोसिटी के दरमियान जो ग्राफ है वो क्या रहेगा? स्ट्रेट रहेगा। माय डियर्स, इसी तरह अगर आप वेलोसिटी को कांस्टेंट रखते हैं, वी वेलोसिटी को कांस्टेंट रखते हैं, तो मोमेंटम और मास के दरमियान जो ग्राफ है वो क्या होगा? स्ट्रेट होगा। मींस कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा मोमेंटम होगा। आप कंपेयर करें, अगर एक साइकिल की जो मास है उसका मोमेंटम ज्यादा होगा या फिर एक ट्रक की मोमेंटम ज्यादा होगा, यानी जिसकी बड़ी मास उसका मोमेंटम ज्यादा। इसी तरह मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट कर लेता हूँ ताकि जो पिछला नीचे जो मैं सब लिखे हैं वो भी आपको नजर आ सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं माय डियर्स, ठीक है, मोमेंटम कांस्टेंट है, मोमेंटम जब कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी और मास के दरमियान इनवर्स रिलेशन होगा। मोमेंटम जब कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी और मास के दरमियान इनवर्स रिलेशन होगा। तो आप देख सकते हैं कि स्लोप जो है कर्व है, यानी जब आप मोमेंटम कांस्टेंट करेंगे तो वेलोसिटी और मास के दरमियान इनवर्स रिलेशन होगा, जब आप वेलोसिटी को कांस्टेंट रखेंगे तो डायरेक्ट, जब आप मास को कांस्टेंट रखेंगे तो मोमेंटम और वेलोसिटी के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होगा, जिस तरह हमने ऊपर डायग्राम्स में हमने देख ली। अभी हम ये देखेंगे कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, F is equal to ma, वो मोमेंटम के साथ किस तरह रिलेट हो रहा है? जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो मोमेंटम के साथ किस तरह रिलेट हो रहा है? सपोज F is equal to ma, ये न्यूटन सेकंड लॉ है, मोमेंटम क्या है? मोमेंटम क्या है? जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि मोमेंटम के क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है, तो F मैं उसी तरह लिखूंगा, M की जगह हम एक्सेलरेशन की जगह, ठीक है, एक्सेलरेशन की जगह चेंज इन एक्सेलरेशन, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जगह यही आया, मास आया, फोर्स उसी तरह, तो मास को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो मास फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। इसी तरह ये क्या है,
ये चेंज मोमेंटम है, ठीक है। एफ इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू वी इनिशियल मोमेंटम एंड एम इज इक्वल टू आई फाइनल मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। तो ये क्या है, ये चेंज मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स, यानी मोमेंटम के साथ, यानी मोमेंटम वर्क के साथ मोमेंटम में जो चेंज आया दैट इज नोन एज फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड अप्लाइड फोर्स। ये बात आपने याद रखनी कि जब भी मोमेंटम में विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज आएगा दैट इज नोन एज फोर्स। तो एक दफा फिर समझते हैं। देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, एफ इज इक्वल टू एम है। एफ को मैंने उसी तरह लिखा, एम को भी मैंने यहाँ पे लिखा, एक्सेलरेशन की जगह मैंने चेंज इन वेलोसिटी और रिस्पेक्ट टू टाइम डाला। एम को उसी तरह लिखे, एम इज इक्वल टू वी आई, एम इज इक्वल टू वी एफ एंड एम इज इक्वल टू वी आई, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम तो क्या है, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब मोमेंटम में चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज नोन एज फोर्स। तो एक दफा फिर बताता हूँ कि चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड अप्लाइड फोर्स या फोर्स। ये बार बार पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है टीचर्स में भी या बोर्ड्स के जो एमसीक्यूज और पेपर्स में भी। तो आपने इस चीज को बड़ी डीप तरीके से देख चलना है। आगे एक लेयर और लिखी है, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं माय डियर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं माय डियर्स, कोई भी बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी हो, कोई भी बॉडी यानी नीचे की तरफ जा रहा हो टूवर्ड द अर्थ की तरफ, तो उसको जो फोर्स है वो इसका वेट का इक्वल है, वेट इज इक्वल टू एफ जी। तो ये क्या है, चेंज इन टू मोमेंटम। ये बात आपने याद रखनी है, कोई भी फॉलिंग बॉडीज हो यानी जमीन जब अपनी तरफ उसको खींचे, ठीक है, तो वो फोर्स उसके वेट का इक्वल है। तो फोर्स किसका इक्वल था, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी आपने ऊपर देखा चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज फोर्स। तो अगर कोई किसी फ्री फॉलिंग बॉडीज का जो फोर्स है वो इसका वेट का, वेट एम जी का इक्वल है माय डियर्स। ये चीज आपने याद रखनी है। तो आज की इस वीडियो में माय डियर्स हमने मोमेंटम को डिस्कस किया। हमने ये डिस्कस किया कि मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन, ठीक है, किसी भी बॉडी का जो मोशन की क्वांटिटी है दैट इज नोन एज मोमेंटम। फिर हमने ये देखा कि मोमेंटम जो है वो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है। फिर हमने ये देखा कि मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन अलोंग द वेलोसिटी की तरफ होती है। फिर हमने ये देखा कि मोमेंटम जो है केजी मीटर पर सेकंड है, मोमेंटम जो है न्यूटन सेकंड है। फिर हमने ये देखा कि जब आप मास को कांस्टेंट रखोगे तो मोमेंटम और वेलोसिटी के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन रहेगा। फिर हमने ये देखा कि जब आप वेलोसिटी को कांस्टेंट रखोगे तो मोमेंटम और मास के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन रहेगा। फिर आपने ये देखा कि जब आप मोमेंटम को कांस्टेंट रखोगे, तो वेलोसिटी और मास के दरमियान इनवर्स रिलेशन रहेगा। अगर आपको मेरी ये बातें समझ नहीं आ रही तो आप वीडियो को भी पोस्ट करके पीछे करके एक दोबारा सुन सकते हैं, और डायग्राम्स वगैरह आपको नजर आएंगे जिस तरह ग्राफ्स मैंने बनाया है आपको। फिर आपने ये देखा कि न्यूटन सेकंड लॉ को मैंने मोमेंटम से रिलेट करवाया, ठीक है, एक्सेलरेशन की जगह मैंने उसकी वैल्यू लिखी, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फिर ये मास उससे मल्टीप्लाई हुआ तो एम इज इक्वल टू वी एफ माइनस एम इज इक्वल टू वी आई एंड टाइम दैट इज नोन एज क्या, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। फिर हम मैंने ये बताया कि कोई भी फ्रीली फॉलिंग बॉडीज हो उसका फोर्स उसका वेट का इक्वल होता है, और वेट इज इक्वल टू एम जी, यानी वेट मास और ग्रेविटी जो उसके ऊपर लग रही है। तो आज का हमारे ये लेक्चर्स में मैंने एक फिर आपको रिव्यू भी करवाया। इंशाल्लाह जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में उसमें हम इम्पल्स को स्टडी करेंगे, इम्पल्स क्या है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। और ये हमारी कोर्स के मैंने आई थिंक 6 वीडियो अपलोड कर ली, ये 7वीं लेक्चर्स है हमारी इस चैप्टर का, इस कोर्स का। तो आपने इसको वॉच करना है। अगर आपने टी टेस्ट के फिजिक्स के पोर्शन में अच्छे मार्क्स स्कैन करने हैं, आप 54 MCQs है अकॉर्डिंग टू द PMD न्यू सिलेबस, तो आप अगर इसी पॉइंट्स को, सिर्फ जो मैंने लिखे हैं इसी को आप याद करके जाएंगे तो मैं कह रहा हूँ 35 से 36 तक आपका मार्क्स एग्जैक्ट क्लियर है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप 54 बड़ी आसानी के साथ गेन कर सकते हैं।
तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में. नेक्स्ट लेक्चर तक अपने उस्ताद अखिल अहमद को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.